गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी सेकंड में पढ़ेंगे उपभाषा। अभी आप लोगों ने पढ़ा भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और बोली किसे कहते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां होती हैं। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो आपका पश्चिमी हिंदी क्या उपभाषा, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं देख लीजिए। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। दूसरा पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, औधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा है पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी। चौथा बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत आपकी भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है। पांचवा है राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी आती है। तो ये क्या है, बोलियाँ हैं जो सभी लोग प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, इनका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है कि किसी भाषा को जब लिखना होता है, किसी भाषा की ध्वनि के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, और इनके द्वारा भाषा लिखी जाती है। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक जितनी भाषाएं हैं उन सबकी अलग अलग लिपियां हैं, और उन लिपि के अनुसार ही उन भाषाओं को लिखा जाता है। जैसे आप देख लीजिए कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों को देख लीजिए। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, इन भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी। जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और जो देववाणी यानी संस्कृत है, और मराठी और नेपाली की लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। उर्दू, उर्दू की लिपि फारसी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन की लिपि रोमन। जापानी, जापानी की लिपि क्या होगी, जापानी। अरबी, अरबी की लिपि अरबी। फारसी, फारसी की लिपि फारसी ही है। अब एक देख लीजिए फारसी लिपि कैसे, जिसे हम लोग देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं, उसको हम बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाते हैं। जब हम लिखना आरंभ करते हैं तो पहले हम बाईं तरफ से लिखते हुए उसको दाहिनी तरफ जाते हैं, किंतु जो फारसी लिपि है उसका अपोजिट है। फारसी लिपि क्या है, दाईं ओर से लिख करके बाईं ओर ले जाई जाती है, उसको हम दाईं ओर से, जैसे उर्दू लिखा जाता है तो उर्दू किधर से लिखा जाता है, दाईं तरफ से लिखते हुए उसे बाईं तरफ जाया जाता है। और हिंदी लिखना होता है तो उसे हम बाईं तरफ से लिखते हुए दाहिनी तरफ जाते हैं। तो ये आपका हो गया लिपि। अब है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या, विश्लेषण करना। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है, जिसमें भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान हो सके, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों व वाक्यों के शुद्ध स्वरूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। अब आपका है व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो पहला वर्ण विचार, जिसमें वर्णों का भेद, उच्चारण, लेखन व संयोजन पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं।
अब दूसरा है शब्द विचार, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतर व रचना पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। तीसरा पद विचार, इसमें पदभेद, पदबंध पर विचार किया जाता है। चौथा वाक्य विचार, जिसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण व विराम चिन्ह पर विचार किया जाता है, उसे वाक्य विचार कहते हैं। बच्चों आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज स्वयं करेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी।